Changed the scenario for music in the whole world and especially in India. बहुत सारी चीजें हैं, तीन चीजों में define नहीं हो सकती. We've got a lot of artists because of Spotify, King being one of them. Lot of great music and उससे जो confidence आता है एक उस इंसान में जिसको उम्मीद भी नहीं है कि उसका गाना कहीं तक पहुंच जाएगा, वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है आई थिंक जो Spotify ने दी है किसी भी आर्टिस्ट को. एक हल्ला शेरी जो शायद उसके माँ बाप भी नहीं देते, वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट दैट Spotify हैज गिवन टू आई पॉप और म्यूजिक थ्रू आउट द वर्ल्ड. आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. आई थिंक बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं. और इंटरफेस बड़ा अच्छा है आपका, यू नो इट्स अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, द क्वालिटी इज सब अच्छा है. इट्स अ कूल ऐप टू यूज, सो या इट हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आई पॉप एंड म्यूजिक इन जनरल. I mean likewise, मतलब 7 करोड़ सारी यही चीजें थी जो मैं सोच रहा था. कुछ पॉइंट्स है. एक Spotify के आने के बाद से जो पायरेसी पे कंट्रोल आया है, आई थिंक वो एक बहुत मेजर चेंज आया है जिसकी वजह से कई सारे आर्टिस्ट रिलाय नहीं होते कि वो मेहनत करके किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाएंगे, फिर वो किसी मूवी में उनको चांस देंगे, तब उनका करियर बनेगा और तब वो शोज करेंगे. आई थिंक हर किसी नए आर्टिस्ट को वो एक मोटिवेशन है कि शायद देर आर प्लेटफॉर्म जिनसे मैं अपनी चीज़ अपना आर्ट सीधा दिखा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है. एंड आर्टिस्ट जितना ज़्यादा निर्भर होता है, आत्मनिर्भर होता है अपने आप पर, आई थिंक उतना ही ज़्यादा अच्छे से अपने आप को नरिश कर सकता है थ्रू द टाइम एंड यू कैन मेक राइट एंड रॉन्ग चॉइसेस इन लाइफ. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, दैट्स हाउ आई सी. सो या आई थिंक Spotify ने ये तो कराया. Thank you for saying. If you look at the 5 years, what one thing that you changed or what one thing you did? That was a tough question and I tried to think it through and I said, I can say one thing for sure, listening is back. Because listening is, in this country, I think we have a huge history of storytelling and music. And that goes many, many years back. But somehow, I think if you look at the last few decades and so, I think people have gone more into viewing audio, the video. Lot of chatter, lot of distraction. I think the audio has brought people back and they're able to relax better, they're able to sleep better, they're able to work out better, they're able to compete.